आज हम जैव भूगोल में ओरिएंटल प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 जैव भौगोलिक प्रदेशों से छोटा है, परंतु जीव जंतु जगत की दृष्टि से ये प्रदेश काफ़ी रिच है। इस प्रदेश का विस्तार हिमालय के दक्षिण में स्थित समस्त भारतीय उपमहाद्वीप, श्रीलंका, बर्मा, मलाया व हिंद चीन प्रायद्वीप, पूर्वी द्वीप समूह, फिलीपाइंस व दक्षिणी चीन है। इस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर पैलियार्टिक प्रदेश तथा पूर्वी सीमा पर इथोपियन प्रदेश हैं और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें कि संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 85 से 85% भाग ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से होता है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा के ही परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पतिक आवरण दिखाई देता है और यहाँ जीव जंतु भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भारत का थार मरुस्थल भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कि इथोपियन प्रदेश से निकट होते हुए भी वनस्पति के दृष्टिकोण से ओरिएंटल प्रदेश का ही भाग माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है, जीव जंतुओं की दृष्टि से वो ज़्यादा संपन्न नहीं है। हिमालय पर्वतमाला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला तथा वर्मा के अरकनसास पर्वत पर अधिक वर्षा के कारण पर्याप्त वनस्पति पाई जाती है। श्रीलंका और भारतीय प्रायद्वीपों के दक्षिणतम भाग में आर्द्र जलवायु के कारण अधिक वनस्पति पाई जाती है। समस्त प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। जनाधिक्य की स्थिति के कारण इस प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन तथा भूमि का कृषि व निवास हेतु उपयोग अधिक किया गया है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में स्तनधारी में जैसे गिबन, टार्सियर्स और श्रू, लेमूर, पक्षी जैसे ब्राड बिल्स, सरीसृप में सिल्ड टेल्स, घड़ियाल और बड़े सिर वाले कछुए पाए जाते हैं। यहाँ पे अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियाँ और यहाँ नोटाप्टेरिड, कई जातियों की मार्जर मीन एवं एनाबेंटिड विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रदेश के उभयचर जंतु सिसिलियन, कुछ सेलेमेंडर, हाइला इत्यादि हैं। इस क्षेत्र के सरीसृप, टेस्ट्यूडो, मगर, गिरगिट, वेरेनस, टिफ्लॉप्स, जिनोपेलेरिस, अजगर, समुद्री सर्प और वाइपर और पिट वाइपर हैं। यहाँ के पक्षी इथोपियन क्षेत्र के समान ही हैं। इस प्रदेश के स्तनधारी प्राणी हेजहोग, श्रू और इसके साथ ही अन्य जो पाए जाते हैं वो हैं बिल्लियाँ, हाथी, टैपिर, गेंडे, नेवले, चूहे, गिलहरियाँ, मकाका बंदर, ओरंगउटन इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रदेश को 4 उपप्रदेशों में बांटा जा सकता है। इंडियन उपप्रदेश, सिलोनीज उपप्रदेश, इंडो चाइनीज उपप्रदेश और इंडो मलायन उपप्रदेश।